वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के एक नए वीडियो लेक्चर में आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, इसको मैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आज हमें बैंड के बारे में जानना है। आज हमें जानना है कि बैंड के कितने टाइप्स होते हैं। फॉरबिडन गैप एक हमारा टॉपिक है, फॉरबिडन गैप जो आप देख रहे होंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो आती है या नहीं आती है, इसके पीछे क्या वजह है, वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज के टॉपिक को मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप ये समझ लें कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा एनालिटिकल वे में उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेटल के अंदर कैसी होती है, नॉन मेटल के अंदर कैसी होती है और मेटलॉइड्स के अंदर कैसी होती है। आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग इस बात को पहले से भी जानते होंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर। ओके, जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसा काम करते हैं, इंसुलेटर का, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। मेटल कंडक्टर होता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि सेमी कंडक्टर का काम करते हैं। किसका? सेमी कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन मेटल की तरह नहीं, थोड़ा टेम्परेचर रेज करना पड़ता है या और भी कई तरीके हैं, इसके बारे में अगले क्लास में बातें होंगी। आज हमारा टॉपिक ये नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक मैं आपको आज बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन मेन टॉपिक हमारा फोकस आज किस पे है, बैंड थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उसको समझते चलिए। पहले मैं आपको एक ईजी वे में इस चीज़ को बता रहा हूँ, वो आप देखें, फिर मैं डिटेल में भी समझा दूंगा आपको। आराम से वीडियो को हेडफोन लगाएं, आराम से बैठें, चीज़ों को समझें, पॉज करके वापस रिपीट करके सुने, अगर ज़रूरत पड़े तो चीज़ों को ज़रूर समझ में आएगा। बैंड के बारे में अगर बात करें, उससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक याद दिलाता हूँ 11th क्लास का। जैसे मान लीजिए कि आप जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं, यह हमारा टॉपिक था क्लास 11 के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ये मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटम के ऑर्बिटल्स हैं, तो इन दोनों के मिलने से दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो मान लीजिए कि जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये भी कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस दोनों के कंबाइन होने से दो नए ऑर्बिटल्स बने जिनको कहा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और ये भी कौन है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हमने इन दोनों को एक लेवल पे क्यों बनाया है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन का 1s है, कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको हाइड्रोजन का 1s1 है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो 1s1, और ये भी क्या है इसका? 1s1 ऑर्बिटल, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं उनमें से एक की एनर्जी इन दोनों के एनर्जी से कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी वो कहाँ रहेगा? नीचे, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो कहाँ रहेगा? ऊपर। मतलब हम कह सकते हैं ये है हमारा लोअर एनर्जी लेवल और ये है हमारा अपर एनर्जी लेवल। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमें अब भरना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है हम उसे इलेक्ट्रॉन पहले देते हैं। मतलब अगर हमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो हम इलेक्ट्रॉन्स दोनों कहाँ फिल करेंगे? यहाँ पर। वो जो ऑर्बिटल है वो खाली रह जाएगा। क्लास 11 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ सिर्फ आपको। तो ये हमारा, ये हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भर दिए, ये खाली रह जाएगा। अब आप ये समझिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स उसको पहले दिया जाता है
जिसकी एनर्जी कम होती है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो लोअर एनर्जी लेवल वाले में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उनकी एनर्जी भी कंबाइन होती है, एनर्जी का लेवल भी अलग अलग होता है, कुछ का एनर्जी लेवल कम होता होगा, कुछ का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। तो जिनका एनर्जी लेवल कम होता है, जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल कम होता है, वो सब कंबाइन होकर के लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स बनाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, लोअर वाले में या अपर वाले में? जवाब सोचिए आप, डेफिनेटली लोअर वाले में, ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो लोअर वाले में इलेक्ट्रॉन्स रहना पसंद करते हैं, तो लोअर एनर्जी लेवल वाला जो भी ऑर्बिटल होगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे होंगे, आप इससे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ बिल्कुल हमेशा ही खाली रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये याद रखना चाहिए आपको कि लोअर एनर्जी लेवल वाला जितने भी ऑर्बिटल होंगे, वो सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के एक बैंड बना लेंगे। अपर वाले भी कंबाइन होकर के बैंड बनाते हैं, ठीक है? मतलब ये है, आई रिपीट, जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, वैसे ही इनका एनर्जी लेवल भी कंबाइन होता है और नए एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल। तो ये जो एक सेकेंड, ये जो लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल की बात हो रही है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोअर एनर्जी लेवल वाले होंगे, अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन तो हमारा मेटल नहीं है ना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा उसके बारे में, लेकिन जितने भी लोअर एनर्जी लेवल वाले होते होंगे, वो सब कंबाइन होकर के नीचे, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया, ये सोडियम का स्टेटस है, मान लीजिए सोडियम को हमने ले लिया और ये सारे सोडियम के ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे 50 हैं, तो ये सब जब कंबाइन होंगे दोनों तरफ से, तो क्या होगा कि कुछ ऊपर बनेंगे और कुछ ऑर्बिटल्स कहाँ बनेंगे? नीचे। अब कौन नीचे बनेगा, कौन ऊपर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊँ आपको, और अच्छा रहेगा आपके लिए। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो आर्गन है हमारा 18, इसके बाद हम यहाँ पर बना देते हैं 3D6 और बना देते हैं 4S2। आपको मालूम है कि हमने पहले इलेक्ट्रॉन किस में डाला होगा? 4s2 में, उसके बाद किस में डाला होगा? 3d में। तो 4s2 और 3d6, यहाँ 4p भी प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल खाली है ना? तो यहाँ पर 4s का स्टेटस देखें आप, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप 4p को देखना चाहें, ये हमारा 4p है, ये हमारा 3d है, ये हमारा 4s है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका लोअर एनर्जी लेवल होगा, लोअर एनर्जी लेवल होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल कम है, तभी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भरा गया है। और इसका क्या है, इसको मैं हटा दूँ टॉपिक्स को, देखिए आराम से समझिएगा, टॉपिक बहुत ही इजी है, समझने वाला है, बाकी जिसको रटना है वो तो रटेगा ही, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों आपको समझाई भी जाए। तो लोअर एनर्जी लेवल वाला है, ये सब कंबाइन होकर के क्या बनाएगा? वैलेंस बैंड। ये सब कंबाइन होकर जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनको क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। और ये है अपर एनर्जी लेवल, ये लोग क्या बनाएंगे? कंडक्शन बैंड। समझ गया? तो लोअर एनर्जी लेवल वाले कंबाइन होके बनाएंगे वैलेंस बैंड और अपर एनर्जी लेवल वाले बनाएंगे कंडक्शन बैंड। मतलब आप यूँ समझो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो भारी हो जाएगा, वो कहाँ रहेगा? नीचे। और उसका नाम क्या रहेगा? वैलेंस बैंड। नीचे कौन रहता है? लोअर एनर्जी लेवल वाला। नीचे कौन रहता है? लोअर एनर्जी लेवल वाला। सब जगह सेम चीज़ आप देख रहे हैं। और ऊपर कौन रहेगा? अपर एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा, ये ऊपर रहेगा और इसका क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। नाम क्या होगा? कंडक्शन बैंड। तो एक वैलेंस बैंड होगा और एक कंडक्शन बैंड होगा। तो बैंड कैसे बनता, समझ गए? जब एटॉमिक ऑर्बिटल जिस तरीके से कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक वैसे एनर्जी लेवल भी उनका कंबाइन होगा और दो तरह का एनर्जी लेवल बनेगा, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक अपर एनर्जी लेवल। तो मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया कि यूँ समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स रहने के कारण ये भारी हो गए, इसलिए कहाँ आ गए हैं? नीचे। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि उसका एनर्जी लेवल कम है तभी वो नीचे है, और जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा वो कहाँ रहेगा? ऊपर। जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
और जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा उसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड, जिसका लेवल क्या होगा, ऊपर होगा। आई होप कि आपको वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए चीज़ें बहुत सारी हैं कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग तो इसके बाद डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई देखो मेटल के अंदर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ऐसा होता है, मेटलॉइड के अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसा, वो तो आप पढ़ेंगे ही नोट्स से। लेकिन अब हमें ये समझना है कि जो बात मैं आखिरी में कहने वाला हूँ वो होता क्यों है, उसको आप समझिए। सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से एक बार वापस रिपीट देखें कि वैलेंस बैंड किसको कहते हैं, कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं। मैं एक लाइन में आपको वापस समझा देता हूँ कि जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उनका एनर्जी लेवल भी मिक्स होता है। जो लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो सब मिल जाएंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो लोग क्या बनाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल। और उन लोअर एनर्जी लेवल का जो सारा माने जहाँ हम एक जगह पर हमारा आ गया है, उन सबको नाम क्या दिया गया मिला करके, वैलेंस बैंड। और जो हायर एनर्जी लेवल वाले हैं उसका क्या नाम दिया गया है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अब ये जानना है, डायरेक्ट टॉपिक पे तो आएंगे ही कि मेटल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कैसा अरेंजमेंट होता है, नॉन मेटल के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है, सेमी कंडक्टर्स या फिर मेटलॉइड्स के अंदर इन दोनों का कैसा अरेंजमेंट होता है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी मेटल में आसानी से पास हो पाती है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल में आपको समझाऊँ। अगर किसी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, देखिए समझ में सबको आएगा, कोशिश करेंगे सभी लोगों को समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए आपको चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा और ज़्यादा हेजिटेट नहीं होना होगा कि इतनी सारी चीज़ें डिटेल में आ रही हैं। ये मैंने आपकी इच्छा पे छोड़ा कि आप इन चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं कि नहीं। अदरवाइज जितने काम की चीज़ें थी मैंने यहाँ पे बता दी, और जो थोड़ा मोड़ा और काम का वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। चलिए अभी आते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। हमने यहाँ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन की बात करते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये दोनों यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर काट रहा भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ। जब ये दोनों को हम मिलाएंगे, जब ये दोनों को मिलाएंगे, दो तरह की चीज़ें होती हैं। दो तरह की चीज़ें क्या होती हैं कि मान लीजिए दोनों जब मिक्स हो गया, तो मान लीजिए ये पहले का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए यहाँ पर घूम रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा स्केच कर दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे केस में एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा या कम होगा वो बताऊँगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन फिलहाल इधर घूम रहा है। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और एक के पास टीवी है, फ्रिज है, दूसरे के पास एयर कंडीशन है, दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। तो होता यूँ है कि अगर मान लीजिए दोनों को बहुत अच्छे से रहना है, एक्स्ट्रा भी काफ़ी सामान होंगे उन लोगों के पास, तो वो क्या करेंगे कि दोनों मिल करके अगर एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको जीने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अब एक ही कमरे में टीवी भी होगा, फ्रिज भी होगा, एयर कंडीशन भी होगा, पढ़ने के सारे अरेंजमेंट्स होंगे, खाने पीने के अरेंजमेंट्स होंगे, मतलब ओवरऑल देखो तो अगर वो एक कमरे में सेटल हो जाते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, क्योंकि उनके पास अब सब कुछ होगा मिला जुला करके, और जितने भी बेकार के सामान हैं वो दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें। तो डेफिनेटली जब दोनों एक साथ रह रहे होंगे तो वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तभी तो रह रहे होंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू रिपल्सन। लेकिन मान लीजिए कि अगर दोनों में कभी लड़ाई हो गई तो वो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, है ना। अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो दोनों फिर अपने अपने कमरे में अपना सामान लेके चला जाएगा और फिर उनको रहने में दिक्कत होगी। ठीक वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर सिचुएशन वैसा है कि यहाँ पर अभी दोनों एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, तो बीच में ये सारा सामान रख गया है, ये जो सामान है हमारा यही वो इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे बड़ा मज़ा आ रहा है इलेक्ट्रॉन को। इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि इस न्यूक्लियस से भी इसको अट्रैक्शन मिल रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन मिल रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का जो रिपल्सन है वो रिपल्सन कम हो रहा है। क्यों रिपल्सन कम हो रहा है? क्योंकि बीच में
दीवार बन के खड़ा है इलेक्ट्रॉन, मतलब सारा चीज़ समान है तो झगड़ा होने का चांसेस थोड़ा सा कम है। इनको तुम कहोगे कि भाई बाहर चलो तो ये नहीं जाना चाहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। क्यों नहीं जाना चाहेंगे? इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को तुम बोलोगे कि सुनो भाई इलेक्ट्रॉन, तुम बीच में हो, तुम एक काम करो, इलेक्ट्रॉन का काम इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के अपने सर पे घूमना है चार्ज को लेकर के, तो सुनो भाई इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके चलो इस कमरे से उस कमरे में, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है बगल वाले कमरे में। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का मन करेगा? ये तो बिल्कुल आराम से जी रहा है, इसको अट्रैक्शन मिल रहा है हर जगह से, तो इसका मन नहीं कर रहा है, ये बहुत आराम से अपनी जगह बैठा है क्योंकि इसको इधर से भी नाश्ता पानी मिल रहा है, उधर से भी नाश्ता पानी मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाना चाहता। वहीं दूसरा सिचुएशन आप देखें, तो यहाँ पर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ अगर है तो यहाँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्सन है वो ज़्यादा है, रिपल्सन जो है वो ज़्यादा है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुम कहोगे कि बाहर चलो घूमने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा समझाओगे बुझाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस न्यूक्लियस के से अट्रैक्शन फील कर रहा है, दूसरे वाले से नहीं। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन भी हो रहा है। बात ऐसी है कि इन सब के पीछे क्या कारण मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टॉपिक को अगर समझना है तो ये बात थोड़ा सुनना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल ये समझो कि यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा? लेस। सबको मालूम है कि मोर अट्रैक्शन लेस एनर्जी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रिपल्सन जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एनर्जी भी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? मोर होगी। समझ आ रहा बात आपको? एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक वैसा ही आप देखोगे अब यहाँ पर कि यहाँ लोअर एनर्जी लेवल और यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोअर एनर्जी लेवल कंबाइन होकर के क्या बनाता है? वैलेंस बैंड, और हायर एनर्जी लेवल वाले सभी कंबाइन हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, क्या बनाते हैं? कंडक्शन बैंड। तो अब आप सोचो कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी लेकर के घूम सकता है या कंडक्शन बैंड का, और क्यों? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड में भी मान लो यहां पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं या नहीं भी हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने सर पे लेकर के घूमेगा अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तब। क्यों? बिकॉज यहां पर रिपल्सन है। अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को कहोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन चलो चार्ज लेके चलो दूसरे रूम में, इलेक्ट्रिसिटी लेके चलो, तो ये जाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर जहां अट्रैक्शन ज़्यादा है एनर्जी कम है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे कि थोड़ा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके चलो तो, चार्ज लेके चलो तो इस कमरे से उस कमरे में, तो वो लेके जाना नहीं चाहेगा। मतलब ये कह रहे हैं ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से चला जाएगा, फिर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद चार्ज का मूवमेंट आसानी से होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होगा। समझ रहे हैं आप? देखो ये टॉपिक बता रहा हूँ मैं अपने इंटरेस्ट से। लोग कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, क्या यार बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, अगर आप समझाने की कोशिश करोगे वो ज़रूर समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें, और यही चाहते हैं कि तुम इम्प्रूव करो, सिर्फ रट्टा मार वाले पॉलिसी पे फोकस मत करो, थोड़ा चीज़ों को समझने फोकस करो, ब्रेन को इम्प्रूव करो। फटाफट रिकॉल, पानी का भी रिकॉल होना चाहिए थोड़ा। तो क्या कह रहे थे? हाँ, कि जिसका लोअर एनर्जी लेवल होगा वो लोग क्या बनाएंगे? वैलेंस बैंड। अपर एनर्जी लेवल वाले क्या बनाते हैं? कंडक्शन बैंड। लोअर एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी लेकर के घूमना नहीं चाहेगा, अपर एनर्जी लेवल वाला, हायर एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी लेकर के घूम सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं पहुंचेगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अब एक दिक्कत वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में पहुंचे कैसे, है ना? इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर में पहुंचे कैसे? तो ये सब कुछ रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है अगर मेटल है तो, अगर मेटल है तो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है।
क्यों हो जाता है, अब इसका जवाब भी चाहिए, वो भी बताते हैं। पहले यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको, बहुत आराम से सुनना यार, नहीं तो नोट्स है, नोट्स पढ़ोगे उस पर एकदम लिखा रहता है डेफिनेशन। वैलेंस बैंड कौन होता है, जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, देन देयर एनर्जीज ऑल्सो मिक्स, लोअर एनर्जी लेवल आर फॉर्म वैलेंस बैंड एंड हायर एनर्जी लेवल जब कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, कंडक्शन बैंड। वो तो देखो याद करने की चीज़ है, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब एक लाइन को दिमाग में डाल लो इस पूरी कहानी से कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को मज़ा आ रहा है, मतलब एनर्जी कम है, एनर्जी कम कब रहेगा, जब उसे हर तरफ से अट्रैक्शन फील हो रहा हो, तो वो बाहर नहीं जाना चाहेगा, ये वाले सारे हिस्सा होंगे वैलेंस बैंड के। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन कम मिल रहा है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा है, ये लोग क्या बनाते हैं, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इतना समझ लो कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही अच्छे से कंडक्ट करेगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन अपने सर पे चार्ज लेकर के घूमेंगे, वैलेंस वाले को बाहर घूमने जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन तो ऐसा काम करता नहीं है कि, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है ना, हाइड्रोजन और सोडियम का मान लो डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ तो मैंने बता दिया ना कि जो भरा हुआ है वो नीचे रहेगा, वो याद रखने के लिए, जो खाली है ऊपर रहेगा एग्जांपल के लिए, अभी पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। अभी समझो यहाँ पे कि देखो भाई, हाइड्रोजन जो है ना वो इस तरीके से रहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड रहता है ऐसा करके। ठीक है, ये हाइड्रोजन का स्टेटस है, टू मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कंबाइन है। लेकिन सोडियम मेटल है ना, तो वो लोग कैसे रहता है, मान लो सोडियम Na+ याद होगा, मेटेलिक सॉलिड में बताया था तुम लोगों को, और इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो है गैसेस फॉर्म में, याद होगा बताया था, है ना। बेसिक रीजन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे अलाउ रहता है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है टॉपिक आप, कि मेटल्स के अंदर क्या होता है, अब मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। ये तो बेसिक चीज है, लेकिन अभी बैंड थ्योरी के थ्रू हम जाएंगे, इसके थ्रू नहीं जाएंगे, हम बैंड थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं। मेटल्स के अंदर क्या होता है, अगर मेटल है तो ये मान लो कि कंडक्शन बैंड है, और एक हम बना रहे हैं यहां पर वैलेंस बैंड। सब लोग समझ रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल और इसका हायर एनर्जी। क्या दिख रहा है आपको इसमें, कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या हो रखा है, ओवरलैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का हो रखा है ओवरलैप, मतलब मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और इसलिए चार्ज का फ्लो होगा। अभी समझाया था ना तुम्हें यहां पे कि कौन कहां का इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई चार्ज लेके अपने सर पे, वैलेंस वाला या कंडक्शन वाला, जहां एनर्जी कम होगा वो या जहां एनर्जी ज्यादा होगा वो, जहां एनर्जी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के घूमेगा चार्ज अपने सर से, इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम घूमने जाएगा, उसको जाने की इच्छा है क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है, इसको जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो यहां वाला यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये फिर अपना चार्ज कंडक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आओगे तो हम अगर नॉन मेटल के अंदर देखें, नॉन मेटल के अंदर तो ये अपना वैलेंस बैंड है और ये अपना कंडक्शन बैंड है। यहां से यहां का जो गैप है, जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप या जोन भी बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है, वेरी बिग, और बड़ा होने के कारण नो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा ही नहीं पाएगा,
डेफिनेटली जो नॉन मेटल्स होते होंगे उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते होंगे तो एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होता होगा, एनर्जी का गैप कम रहेगा, ये कंडीशन आ जाएगा। अगर एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, जैसे एनर्जी का गैप अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, दोनों वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के गैप भी बहुत ज़्यादा होंगे। और जब गैप बहुत ज़्यादा होगा, देखो जैसे ऑर्बिटल्स का एनर्जी पे भी डिपेंड करता है ना सब कुछ, अगर ऑर्बिटल्स का एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का गैप भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नीचे आ जाएगा, बहुत नहीं होगा, एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है इसलिए कहाँ चला गया, ऊपर, गैप बहुत ज़्यादा हो गया। और जब गैप बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेटलॉइड्स होते हैं, अगर हम बात मेटलॉइड्स की करें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के बीच में गैप जो होता है वेरी लेस होता है, गैप मगर वेरी लेस। अगर हम हीट करें, हीट करने पर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक वैसे ही तुम्हें मालूम होगा, मान लो कि अगर कोई बीच में थोड़ा रोड में गड्ढा आ गया है और उसको पार करने में हम थोड़ा डर फील कर रहे हैं, दिक्कत फील कर रहे हैं, तो कोई कोई ऐसा दोस्त होता है जो चढ़ा देता है कि तेरे लिए तो बहुत आसान है ऐसा वैसा, और जंप मार के हम लोग पार कर जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का भी स्टेटस है, और भी तरीके हैं जो मेटलॉइड्स हैं, लेकिन वो अगले क्लास में डिस्कस होगा, बहुत ही अच्छा और ईजी टॉपिक है, वो भी आखिरी क्लास होगा सॉलिड स्टेट का। तो मेटलॉइड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं हीट करने पर, तो इसलिए वो कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल जरूर याद रखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखना है सिलिकन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आपको पता है ना पी ब्लॉक के अंदर में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स सभी होते हैं, पीरियोडिक टेबल पे भी एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। तो सेमी कंडक्टर्स में या मेटलॉइड्स में क्या होता है, या मेटलॉइड सेमी कंडक्टर की तरह काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, जो फॉरबिडन जोन होता है, वो बहुत कम होता है। हीट करने पर इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, जबकि नॉन मेटल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है बहुत ही बड़ा होता है, जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जंप करके नहीं जा पाते हैं। इतना बड़ा गैप है, कुछ भी कर लो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। जैसे आप डायमंड का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यही है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता सब बता दिया तुमको। मेटल्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है, ओवरलैपिंग होने के कारण ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत आसान होता है। एक और भी पॉइंट है जो आप याद रखें ज़रूर, कि जब हम मेटलॉइड्स को ऐसा हीट करते हैं तो वो सेमी कंडक्टर का काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा एनर्जी मिल जाता है और वो जंप करके हाइयर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड के नाम से बार बार बोल रहे हैं। लोअर एनर्जी लेवल वाला वैलेंस बैंड, हाई एनर्जी लेवल वाला कंडक्शन बैंड। और अगर आपने कंडक्टर को हीट किया, मेटल को हीट किया, तो मेटल की जो कंडक्टिविटी है ना वो खराब हो जाती है। ये एक लास्ट पॉइंट है, ऑन हीटिंग कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, किसका, मेटल्स का। क्यों डिक्रीज करता है, एक वर्ड में यहां लिख रहा हूं, थर्मल एजिटेशन, यह है रीजन इसका, थर्मल एजिटेशन। मतलब ठीक वैसे ही समझिए, जैसे कि मान लो कि यहां पर भाई एक मिठाई का टुकड़ा रखा है और चींटी जो है इधर से जा रही है इस मिठाई के टुकड़े को लेने के लिए लाइन लगा करके, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इस सरफेस को अगर हमने हीट कर दिया, इस सरफेस को अगर हमने हीट कर दिया तो क्या चींटी पहले की तरह जाती रहेगी, नहीं, वो अपना पाथ डाइवर्ट कर जाएगी सरफेस के गर्म होने के कारण। ठीक वैसे ही ऐसा होता है कि जब आप कंडक्टर्स को या मेटल्स को आप हीट करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी खराब हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है, वर्ड क्या हमने यूज़ किया, थर्मल एजिटेशन के कारण, मतलब भूकंप सा आ जाता है
कह सकते हैं कि थर्मली एजिटेट हो गया है, इसलिए वहाँ पर कंडक्टिविटी ख़राब हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब हम हीट करते हैं मेटलॉइड्स को तो सेमी कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बैंड थ्योरी के ऊपर डिस्कशन किया हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स हैं, मतलब सेमी कंडक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के साथ हम ऐसा क्या करें जिसको हम लोग डोपिंग बोलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में आराम से। लेकिन आई होप कि आज आपको बैंड थ्योरी समझ में आ गया होगा। फटाफट आप इसको वापस से रिकॉल कर लेंगे आखिर में, बैंड कैसे बनता है। बैंड दो तरह के होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल वाले होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, याद रखने के लिए बता ही दिया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे आ जाएगा वैलेंस बैंड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कंडक्शन बैंड। अगर मैं लास्ट में ये बताता कि देखो भाई वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हो जाता कि कंडक्शन बैंड में जाकर के क्यों अराइज होगा, वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको ये चीज़ें समझाई जाएँ कि वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इलेक्ट्रिसिटी लेकर के घूमने का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कंडक्शन बैंड वाला जहाँ अट्रैक्शन कम है, जहाँ एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी लेकर के या चार्ज लेकर के मूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए जब तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जितनी आसानी से होगा कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। अब इनका अपना मेजरमेंट यूनिट होता है, कंडक्टिविटी का रेंज होता है सबका अपना अपना। जो मेटल्स हैं उनका आप देखोगे 10^4 से 10^7 पर ओम पर मीटर होता है। नॉन मेटल्स का देखोगे तो वो तो हमेशा नेगेटिव में रहता है, 10^-20 से 10^-10 तक, 10^-20 से 10^-10 तक पर ओम पर मीटर, 10^-6 से 10^4 तक चले जाओगे तो मेटलॉइड्स का होगा, है ना, और अगर 10^4 से 10^7 तक चले जाओगे तो ये मेटल्स का होता है। तो ये इनका अपना कंडक्टिविटी रेंज है, ये सब चीज़ें तुम पढ़ लोगे नोट से। हमें समझाना था कि बैंड क्या होता है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से क्यों हो पाती है। मिलते हैं अगले क्लास में, आप इसको ज़रूर पढ़ें अच्छे से। ओके, थैंक यू।